द लास्ट रोड ऑफ गुजरात दाबेली हमारा हो रहा है तीखा वाला। यहाँ पे मतलब रोड के नाम पे पूरा ऑफ रोड ही है। डाल घट जाइए आप, इतना सारा चाहिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया। गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स जस्ट अमेजिंग मॉर्निंग। पिछले कल को सनराइज देखने के लिए भागा भागी हो गया था। रण ऑफ कच्छ का और धोलावीरा का दोनों का सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल वाला देख चुके हम लोग। आज सनराइज देखना नहीं था हमको, आराम करना था। और मेरी जो गर्दन है वो थोड़ा लचक मार गई है, तो पता नहीं थोड़ा फॉरवर्ड में चल रहा हूँ, इतना दिक्कत नहीं कर रहा है। ये ड्राइविंग करने से नहीं हुआ, ये मुझे जब निकले उससे पहले से थोड़ा सा हो गया, लगता था कि परेशानी करेगा और ये कर भी रहा है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लेट्स गो टू द डाइनिंग एरिया। बाबू मजा आए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। धूप लग रही है, बढ़िया वाली नाश्ता देख लो, गाठिया ममरा और उपमा एंड चाय। रूम हो गया क्लीन, ले लिया हमने सामान, हमारे स्टिकर्स यहाँ पे चारों, और निकलते चलो बाहर की ओर। ये रन ऑफ कच्छ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वाला मुझे तो यही जगह लगा, इससे अच्छी भी जगह होगी लेकिन जहाँ तक मैंने विजिट किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगता है वो आपके? इट्स रन कांठी, गांधी का जो जी होता है ना उसके बदले के है, रन कांठी, ठीक है? तो उस तरीके से सर्च कर लेना, बेस्ट प्रॉपर्टी बेस्ट डील, यूज द रुपेश आवर कोड टू गेट डिस्काउंट्स। ओके बुरा भाई, मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया आपकी प्रॉपर्टी पे, और आपका फूड और जो स्टे था बहुत ही अमेजिंग था। बाकी बुरा भाई की डिटेल्स और सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एक बार चेक करना। और बुरा भाई, अगर कोई सब्सक्राइबर हमारे तरफ से आ गया तो उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, 100% बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? जी जी जी, तुरंत आ जाना। काम हो गया हमारा कम्प्लीट और जा रहे हैं, पहले तो हम फ्यूल अप करना है गाड़ी, क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, इसलिए हम नखत्राण भी जाएंगे अभी, क्योंकि सीएनजी लगाना पड़ेगा। पूरा जो ट्रिप करें कोस्टल में वहाँ पे पेट्रोल ही यूज करेंगे, उससे अच्छा हम सीएनजी यूज करें तो हमारा आधा खर्चा बच जाएगा और ऊपर से गाड़ी स्मूथ भी सीएनजी पे अच्छा से चलता है। जितने रुपए में हम सीएनजी में घूम के आएंगे उससे डबल रुपए लगता है पेट्रोल में। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सर्विस। चलो भैया चलते, दिक्कत कोनी, कोई लोड नहीं। 300 मीटर आगे राइट साइड धीरे मेरे भाई। हो गया कितना? 5 लीटर का, 5 लीटर का। ये जो जगह पे हम लोग रुके वो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ये है पेट्रोल की दुकान। यहाँ पे 10-15 रुपए एक्स्ट्रा लेके आपको पेट्रोल लगा सकते हो। ये हमारा पेट्रोल हो गया रेडी। हम यहाँ पे गुलबुद्दीन टी स्टॉल पे रुके थे जहाँ पे पेट्रोल मिल सकेगा, क्योंकि आगे कोई पंप नहीं मिलेगा। हम जिस रास्ते जा रहे हैं पूरा एकदम ड्राई वाला, हम जाएंगे सीधा नखत्राणा, वहाँ पे जाके सीएनजी फिलअप कराएंगे। पहले पेट्रोल लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे बाहर की तरफ, ये जो रास्ता लगता है 3 रास्ता है। पहला रास्ता जाता है सफेद रण, दूसरा खावड़ा, कल वहाँ से आए थे हम लोग जा रहे हैं हाजीपीर का रास्ता। सीधा रास्ता जाता है हाजीपीर को, हाजीपीर से आगे मुड़ना है, ऐसा लग रहा है। कंडीशन तो बहुत बढ़िया है लेकिन देखते आगे। पूरा 90 की स्पीड से जा रहे हैं और ये पूरा जो रास्ता है दूर तक एकदम स्ट्रेट रास्ता चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा। ये और यहाँ से 20 किलोमीटर सीधा ही रोड है। कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। अच्छा खासा रास्ता हम तय कर रहे हैं हाजी पीर आगे, और यहाँ पे बुरकल करके जो बोर्ड लगा है वहां से लेफ्ट ले लेंगे, जहाँ से नखत्राणा एकदम नजदीक लगता है। ये वाला रोड भी नखत्राणा जाता है, ये वाला भी रोड नखत्राणा, सेम किलोमीटर लगता है, लेकिन इसका कंडीशन खराब है, इसका कंडीशन अच्छा है, एवरेज है, खराब से तो अच्छा ही है। तो हम लोग ये वाला रोड ले रहे हैं जो कि थोड़ा एकदम सीधा लगता है, शॉर्टकट है, क्योंकि ये ऐसा ही जाएगा तो किसी को ऑप्शन बनाना ही होगा। वो रोड तो प्लेन है, वो बहुत ही ऑड इवन रोड है। हम लोग यहाँ से नीचे उतार रहे हैं, यहाँ से ऑफ बीट रोड के मजे हम लोग कच्छ में ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखो कोई नहीं आ रहा है सामने, कोई नहीं, एकदम पूरा प्लेन सरफेस। सामने की तरफ जो रोड है मेन रोड था वो ज्यादा ही कुछ ऑफ रोड था, और यहाँ पे बना वो रोड, इट्स गुड। वाह भाई वाह, बुरकल करके गांव बीच में है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गांव है, क्या सुंदर है साले। यहाँ पे मतलब रोड के नाम पे पूरा ऑफ रोड ही है। अब वो चाचा बोल रहे थे वो सीधा रोड है वो गंदा है, और ये अच्छा है, अगर ये अच्छा है तो वो कितना गंदा होगा। अरे यहाँ से वहाँ इसकोले खा रहा है पूरा, बहुत ही मतलब 30 मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे, मैक्सिमम 30 का स्पीड। और देखो वो देखो वो देखो, ऐसा रोड है। कोई दिखा नहीं दे रहा, एक रोड है और उसमें हम 3 लोग गाड़ी में बैठ के चले ही जा रहे हैं। नजदीक में पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसा लग रहा है ऐसा पाकिस्तान ही निकलेगा रोड, पूरा एकदम वीरान पड़ा है पूरा रोड। फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद हमको अच्छा रोड मिला है यहाँ पे, अब जाके फाइनली हमें बड़ा रोड मिला है, अच्छा वाला। कैसा यार, गजब एक्सपीरियंस, पूरा अल्टीमेट, ऐसा जगह मैंने कभी नहीं देखा सच में। लद्दाख वाला जो ट्रिप किया था उसमें भी ऐसा जगह नहीं था। बाहर का जो रोड है ना भाई, और ये हम देखो ये कितना बड़ा, ये हमारी गाड़ी से प्यार है कि कहीं पे भी डालो ये गाड़ी चलती जाती है। भैया के वापस अच्छे रोड पे एकदम, और वापस देखो कितना खूबसूरत लंबा चौड़ा रोड। पब्लिक लुक एट दिस अमेजिंग रोड, वहां पे ऊपर तक जा रहा है एकदम, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ से एकदम स्ट्रेट रोड जा रहा है।
And look at this road. Wow. Just amazing. Woo. Wow, 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 wow. भाई मजा आ गया. देखो कैमरा ऑन हो गया सारे. पेट्रोल भरवा था तब थे 570 किलोमीटर, अभी और 651 किलोमीटर. हमने 80 किलोमीटर का ट्रैवल किया है. हम पहुंचे यहाँ पे वीरानी करके गांव है. 3 GB नहीं हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में पेट्रोल पे ब्लिंक हो रहा है. रिस्की पोजीशन है थोड़ा, लेकिन अभी भी 20 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगा. जहाँ पे गाड़ी पार्क किया वहाँ पे सामने ही दाबेली का था, और कच्छ की हमारी पहली दाबेली होने जा रही है. वैसे जोटा भी बाकी है, डबल रोटी भी बाकी है. वो डबल रोटी बोलते हैं, दाबेली हमारा हो रहा है तीखा वाला. सर तो तीखा खाएगा ना, इसका तीखा दाबेली और मेरा भी तीखा दाबेली. भैया का नॉर्मल वाला था, एकदम सॉलिड कच्ची दाबेली जैसा सुना था वैसे ही दाबेली. उसका जादू ये वाला भी मसाला है, उसका जो अंदर का जो स्टफिंग रहता है वो बड़ा ही खतरनाक रहता है. दीप बाजी कौन है दाबेली पे, एकदम जहर दाबेली थी. नितिन भाई हिरानी मोटी दाबेली खावा हूँ. चरखा चाय, शहनशाह चाय, यहाँ की शहनशाह चाय का हमको लग गया है स्वाद. शहनशाह चाय ढूंढने हमको यहाँ पे मिल गया. ये छोटा सा ये जो ब्लोअर है उससे चाय बनाते हैं. कोयले वाला चाय रहता है, मतलब जो भट्टी रहती है उसमें कोयला रहता है. फाइनली हम लोग दाबेली और चाय एंजॉय करके यहाँ पे सीएनजी पंप पहुंच गए थे. और एक बात मैं बताऊं, अभी किलोमीटर हुआ 655, जब 350 किलोमीटर हमारा पहला सीएनजी जो फिलअप था अहमदाबाद से वो चला था, के बाद हमने 300 किलोमीटर पेट्रोल में चलाया. 300 किलोमीटर पेट्रोल चलाने के बाद हमारा खर्चा हुआ 2000 रुपए पेट्रोल का. सीएनजी का हमारा खर्चा 350 किलोमीटर का हुआ था 850 रुपए ओनली. तो आधे रेट के अंदर हमारा सीएनजी चल रहा है और गाड़ी दूर तक चल रहा है. चलो भाई चलो चलो, सीएनजी हो गया फुल. डिमांड तो 26-27 का एवरेज दिया था. 500 रुपीज का पेट्रोल भी डलवा दिया. 80 किलोमीटर के रेंज वाला पेट्रोल है. चलते फिर अभी माधाकामठ हमारा नेक्स्ट स्टेशन है. यहाँ से लगता है अराउंड 80-90 किलोमीटर. माधाकामठ 0 किलोमीटर. यहाँ पे नीचे की तरफ बताया है, ये वैसे सिंगल वे रास्ता है तो एक गाड़ी आता है तो कोई गाड़ी जा नहीं सकता. वेलकम टू आशापुरा माता. गला दर्द कर रहा है यार. ये हुआ एंट्री का गेट. बाजार से एंट्री के गेट हमने कर दिया और अभी मंदिर बोल रहे हैं बंद है, 3 बजे खुलेगा. अभी बज रहे 1:45. अभी टाइम है हमारे पास तो हम थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली दोपहर का प्रसाद हम लोग लेने ही वाले थे तो एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग आ गए. जगह पे वैसे हम टाइम टू टाइम आ गए थे लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा था इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे. हाँ गर्व करे यार फाइनली. सीधे ही चले जाते हैं, ना तो कोई आता है ना तो कोई जाता है. फिक्स स्पीड करके चलते जाओ दूर दूर तक कोई दिखता ही नहीं. जहाँ पे लगता है हम तीनों के अलावा कोई ट्रैवल करने निकला ही नहीं. दूर तक दिख रहा है रोड, एकदम स्ट्रेट रोड और गाड़ी चलती है दोनों तरफ. देखो मैदान कैसे दिख रहे हैं, यही सारे मैदान यही सारे नजारे कंटिन्यूस हम पिछले कई किलोमीटर से देख के आ रहे हैं. यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर बाकी है और ये रोड कितना सीधा है. ये रोड लास्ट रोड है अपने गुजरात का, इससे आगे रोड जाता ही नहीं. अच्छा अच्छा आ गया. अरे देखो वो दिख रहा है वहाँ पे लखपत फोर्ट और ये बॉर्डर आ गया गुजरात का. दिस इज द लास्ट स्टेशन ऑफ गुजरात. सब पब्लिक हम लोग पहुंच गए यहाँ पे लखपत फोर्ट के सामने वाले रोड पे. दिस इज द लास्ट रोड ऑफ गुजरात और फोर्ट इतना बढ़िया दिख रहा है यहाँ से. इसके पड़ोस से समुद्र लगता है और ये लास्ट रोड है गुजरात का और हमारे कोस्टल राइड का पहला डेस्टिनेशन भी लखपत ही है. ये लखपत फोर्ट आज हम लोग लखपत में रुकने वाले. लखपत में रुकने के ऑप्शन में केवल गुरुद्वारा साहिब ही है तो जाए भी. और यहाँ पे आगे गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार. ये लो ये लो. नीचे नीचे आ सकते हो एकदम. हाँ ऐसा दोस्तों कितना सारा चिड़िया में एक साथ, इतना सारा चिड़िया मैंने अपने बचपन में भी नहीं देखा. और देखो इतना सारा चिड़िया एक साथ. और यहाँ पे छोटा सा वेफर डाला हुआ. आप डाल के हट जाइए. छोटा सा सेव डाला हुआ डाल के हट जाइए. इतना सारा चिड़िया यहाँ पे इकट्ठा हो गया. लखपत का फोर्ट हम लोग विजिट कर रहे थे जब आ गए यहाँ पे. उसके बाद हम लोगों ने एकोमोडेशन लिया गुरुद्वारा में, वो भी आपको मैं कल दिखाऊंगा. और ये लखपत का फोर्ट हम लोगों ने विजिट किया और यहाँ से सनसेट अभी हो रहा है. बहुत अच्छा वाला सनसेट की नजर है आज हम लेना चाहते हैं क्योंकि हर बार आपके रिकॉर्डिंग के अंदर हमारा सनसेट मिस हो जाता है. तो चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. लखपत का सारा डिटेल हम बताएंगे बाद में. अभी तो थोड़ा हम भी एंजॉय कर ले इस जगह को. है चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.